अपवादी। सही है तू तो, तेरे प्यार की तो दाद देनी पड़ेगी। अब एक गलती और कर दी है तूने। मिस प्रज्ञा ने अपनी कंप्लेंट वापस ले ली, इस वक्त आप पर कोई जुर्म नहीं। क्या चाहती है ये? क्यों बचाया उसने मुझे? क्या इसकी वजह वही है जो मैंने अभी कहा, या उसे सच में पैसों की परवाह है? अब मुझे तुम्हारी कमजोरी का पता चल गया, और तुम्हारी कमजोरी मैं, या फिर उसे मेरी फिक्र। नहीं, मुझे लेके उसके मन में कोई फीलिंग्स नहीं हो सकती। मुझे वही सब दोबारा नहीं सोचना, गलत ट्रैक पे नहीं चलना। मुझे उसका रियल मोटिव पता करना है। मतलब उसके लिए तनु पकड़ी जाए तो चलेगा, पर मुझे कुछ नहीं होना चाहिए। क्या है उसकी असली वजह, उसके दिमाग में उतरना पड़ेगा। पर ये अभी तक आई क्यों नहीं? मैंने जो कुछ भी कहा उसके बाद मेरे सामने आने से डर तो नहीं रही? दादी, मैं जानती हूँ मुझसे गलती हुई है, लेकिन जाने अनजाने ही सही, उन्होंने ये गलती संभाल ली ना। उन्होंने खुद सबसे कहा ना कि मैंने उन्हें पैसों के लिए जेल से छुड़ाया। सब के सब बेवकूफ है क्या, कि जो अभी ने कहा वो ही मान लेंगे, और वो जो देख रही है उसे अनदेखा कर देंगे। ये कह के तू मुझे नहीं अपने आप को बहला रही हो। नहीं ना दादी, आप चिंता मत कीजिए ना, मैं ऐसा करूंगी, जो उन्होंने कहा वो मैं सच करके दिखाऊंगी। उन्होंने जो वजह दी है उनकी मदद करने के लिए, मैं वैसा ही करूंगी। मैं सबको प्रूफ कर दूंगी कि मैंने पैसों के लिए उन्हें जेल से छुड़ाया, फिर सब ठीक हो जाएगा, सब पहले जैसा हो जाएगा दादी। अच्छा, पहले जैसा हो जाएगा दादी? अब तू भी इसी का साथ देगी ना, बहन है ना तेरी इसलिए। नहीं दादी, मैं यहाँ पर किसी की साइड लेने नहीं आई हूँ। मैं इनफैक्ट ये बताने आई हूँ कि जीजू ने वो सारे पैसे क्यों लिए। तुझे पता है क्यों लिया था? मुझे पता था कि जीजू ने सारे पैसे क्यों लिए। वो कुमकुम भाग्य में एक फंक्शन होना था, एक फैमिली ने हमारा हॉल बुक किया, लेकिन वर्कर्स नहीं आए, इसलिए हमें वो फंक्शन कैंसिल करना पड़ा। वो चाहते थे कि हम उन्हें वो उनकी बुकिंग अमाउंट वापस करते, लेकिन हम पैसे कहाँ से लाते? और उन्होंने ये भी कहा था कि अगर हम उन्हें पैसे नहीं लौटाए तो वो माँ पर फ्रॉड का केस कर देंगे। दी, मैंने तुझे फ़ोन किया लेकिन तेरा फ़ोन लग ही नहीं रहा था। पूरब को फ़ोन किया लेकिन वो कॉन्फ्रेंस में था, और आई हैड नो अदर ऑप्शन, इसलिए मैंने जीजू को फ़ोन किया। और अगर जीजू वो सारे पैसे लेकर नहीं आते तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती थी। मुझे पहले ही पता था मेरा पोता किसी के पैसे ऐसे नहीं लेगा। देखा तूने, उसने तेरी फैमिली को बचाने के लिए अपने सर पर चोरी का इल्जाम लिया है। वो सब कुछ सहन कर सकता है पर अच्छाई नहीं छोड़ेगा। मेरा पोता है वो। कुछ मत बोलना, तुमसे बहस करके मैं अपना दिमाग खराब नहीं करना चाहता। आज मुझे गाना बनाना है, उसके लिए मुझे मुझे पीस ऑफ माइंड चाहिए, मन की शांति, इसलिए ये एक्सरसाइज और ये म्यूजिक। अगर तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है तो कान में रूई डालकर फिर से सो जाओ। व्हाइल आई विल एक्सरसाइज बेबी।